हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानोदय फॉर यू ऑल ओवर इंडियाज लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड माई सेल्फ सुनील कुमार प्यूमा, आप देख रहे हैं इंडिया की लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी देने वाला स्पेशल यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू। फ्रेंड इसी के साथ चलिए आज आप सभी को भारतीय नौसेना द्वारा रिलीज की गई अफसर रैंक की शानदार वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गए हैं। तो चलिए फ्रेंड आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कितनी पोस्ट के लिए है और कितनी एलिजिबिलिटी है, उसकी एज लिमिट क्या है, ये सारी अपडेट आपको देते हैं। तो गाइस आप सभी के लिए इंडियन नेवी एसएससी अफसर वैकेंसी आ चुकी है। ये 2022-23 बैच के लिए है। एसएससी अफसर यानी कि स्टार सर्विस कमीशन अफसर की वैकेंसी है। और फ्रेंड ये ऑल ओवर इंडिया के मेल एवं फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। तो इसलिए फ्रेंड चलिए अब आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। और इसके लिए फ्रेंड आपको बहुत ही कम समय दिया जाएगा क्योंकि इसकी लास्ट डेट केवल 12 मार्च 2022 है। तो चलिए आपको टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, नेवी एसएससी अफसर रिक्रूटमेंट 2022, इंडियाज नेवी हैज़ रिलीज द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ शार्ट सर्विस कमीशन एसएससी अफसर फॉर द वेरियस एंट्रीज January 2023 ST23 कोर्स। द एलिजिबल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई टू द नेवी एसएससी ऑफिसर वैकेंसी 2022 फॉर द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एजुकेशन ब्रांच एंड टेक्निकल ब्रांच फ्रॉम 25 February 2022 फॉर द 155 पोस्ट। द ऑफिशियल वेबसाइट इज़ द www.joinindiannavy.gov। तो फ्रेंड आप सभी के लिए इंडियन नेवी की ऑफिसर रैंक की ये वैकेंसी है। इसमें मेल एवं फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। और फ्रेंड आप देख सकते हैं इसमें जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबल कैंडिडेट है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो और इंडिया के किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इसमें टोटल कितनी पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 150 पोस्ट, ये 155 यानी 155 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। और देखिए फ्रेंड इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट 12 मार्च है। और इसका फॉर्म भी अप्लाई कब से शुरू हो रहा है, ये 25 फरवरी से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये www.joinindiannavy.gov पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो चलिए गाइस इसकी आगे की क्या अपडेट है उसे देखते हैं। तो फ्रेंड अब हम देखते हैं, आपको कुछ की पॉइंट बताएंगे जिसको कि आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर्म अप्लाई करने से पहले। तो देखिए फ्रेंड अब हम कुछ की पॉइंट जानते हैं। देखिए इसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या है, इसकी इम्पोर्टेंट डेट है इसका फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन बिगिन हो रहा है 25 फरवरी 2020 यानी 25 फरवरी से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। और कब तक ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू रहेगा यानी कि इसकी एंडिंग डेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड होगा 12 मार्च 2022 यानी कि 25 फरवरी से 12 मार्च तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। और देखिए फ्रेंड इसकी एप्लीकेशन फ़ी क्या है, इसकी एप्लीकेशन फ़ी है नो एप्लीकेशन फ़ी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपसे कोई भी फ़ी नहीं ली जा रही है, निल है, जीरो है इसमें फ़ी। तो आप फॉर्म अप्लाई करिए। और देखिए फ्रेंड इसमें देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर इसके देखिए स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, SSB इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये कुछ पॉइंट हैं। इस पर बेस्ड होगा आपका सिलेक्शन यानी आपका SSB इंटरव्यू होगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन जो मेडिकल टेस्ट होते हैं ये सब होंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। और देखिए आप देखते हैं फ्रेंड आपको वैकेंसी के डिटेल देते हैं, वैकेंसी के डिवीज़न किस प्रकार किया गया है ब्रांच वाइज और इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट कितना है कि आपके बर्थ की कब से कब के बीच होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड इसमें फर्स्ट नंबर देखिए इसमें जो फर्स्ट ब्रांच में यानी जनरल सर्विस GS-X हाइड्रोकाइडर के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 40 पोस्ट है यानी 40 पोस्ट है, वो भी ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है।
और इस जनरल सर्विस हाइड्रो कैडर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपके पास बीई होना चाहिए यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्निकल की डिग्री होनी चाहिए। और देखिए इसमें एज लिमिट यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ किस डेट से किस डेट के बीच होनी चाहिए, इसमें 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच आपका बर्थ हुआ हो, आपका जन्म हुआ हो, ये इस सर्विस के लिए है, जनरल सर्विस हाइड्रो कैडर के लिए है। और देखिए नेक्स्ट ब्रांच में नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरों रेट कैडर के लिए, इसमें 6 पोस्ट है, ये भी ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है और इसमें भी क्वालिफिकेशन बीई और बीटेक मांगा हुआ है। और इसमें देखिए आपका डीओबी डेट ऑफ बर्थ 2 डेट के बीच होना चाहिए, जैसे कि 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच होना चाहिए, ये इसमें आपका एज लिमिट इतना होना चाहिए, इतने में के बीच आपका जन्म हुआ होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर, तो फ्रेंड थर्ड नंबर में आप देख सकते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ये ब्रांच के लिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 पोस्ट है और इसमें मेल एवं फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है, ये दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बीई बीटेक होना चाहिए यानी कि लगभग सभी पोस्ट के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी। अफसर कौन बनते हैं, अफसर देखिए आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद ही अफसर रैंक की भर्ती आती है, तो देखिए फ्रेंड इसके लिए भी वही क्वालिफिकेशन है बीई और बीटेक और डेट ऑफ बर्थ इसमें 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और देखिए फोर्थ नंबर की जो वैकेंसी ऑब्जर्वर की, इसके लिए 8 पोस्ट है, ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है बीई बीटेक यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्निकल से हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई कीजिए और डेट ऑफ बर्थ इसमें 2/1 ये डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट के बीच होना चाहिए, 2/1/1999 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच होना चाहिए, क्वालिफिकेशन वही बीटेक बीई है। और देखिए फ्रेंड फाइव नंबर देखिए पायलट के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 15 पोस्ट है और ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है जो पायलट के लिए है, और देखिए क्वालिफिकेशन वही है सबके लिए सेम है बीई बीटेक के लिए, और डीओबी होना चाहिए इसमें 2 जनवरी 1999 से और 1 जनवरी 2004 के बीच आपका जन्म हुआ होना चाहिए, तभी आप इस पायलट के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए कुछ पोस्ट और है 6 नंबर देखिए फ्रेंड, इसमें भी ये 6 नंबर पे लॉजिस्टिक के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 18 पोस्ट है मेल कैंडिडेट के लिए, क्वालिफिकेशन देखिए इसमें लॉजिस्टिक के लिए क्वालिफिकेशन आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, एमबीए की होनी चाहिए, एमसीए की होनी चाहिए या बीएससी एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होनी चाहिए, ये आईटी एमएससी आईटी आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। और इसमें आपके जो बर्थ हुआ होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच हुआ होना चाहिए। 7th नंबर देखिए एजुकेशन ब्रांच से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 17 पोस्ट है, इसमें बोथ कैंडिडेट के लिए मेल एवं फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है, ये देख सकते हैं ये एजुकेशन ब्रांच के लिए, और इसमें क्वालिफिकेशन आपके पास बीएससी एमएससी आईटी से होना चाहिए और बीटेक या एमटेक की डिग्री होनी चाहिए। और देखिए इसमें डेट ऑफ बर्थ आपके पास एजुकेशन ब्रांच के लिए 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच होनी चाहिए आपकी, तो ये था इसके एज लिमिट। और 8 नंबर देखिए 8 नंबर में आपके पास इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है ये 45 पोस्ट है, ये 45 पोस्ट है, वो भी ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है इंजीनियरिंग ब्रांच वाली जो पोस्ट है, और इसमें भी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए बीई बीटेक होना चाहिए वो भी टेक्निकल ब्रांच से। और देखिए डीओबी इसमें क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपके पास जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं उनके पास होना चाहिए 2 जनवरी 1988 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच हुआ होना चाहिए, तो ये था आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन और किस प्रकार ब्रांच वाइज पोस्ट डिवाइड किया गया है, ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई है।
तो ये था फ्रेंड इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर वैकेंसी की डिटेल। तो फ्रेंड आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और फ्रेंड एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं इसी तरह की एक लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।